आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा राफेल, अब चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा भारत। मानसून की विदाई से पहले भारी बारिश, बारिश और बाढ़ ने पूरी भारत में मचाई तबाही। हनी ट्रैप मामले में आईपीएस अफसरों में जंग, साइबर सेल का दिल्ली का फ्लैट शक और झगड़े की वजह। सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल तो इमरती देवी ने अपने बयान पर दी सफाई। और अभिनेता विजू खोटे का निधन, शोले की कालिया से मिली थी जबरदस्त शोहरत। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। एयर चीफ मार्शल बनते ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि राफेल के कारण भारत, चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया राफेल लड़ाकू विमान खरीद टीम के चेयरमैन रहे हैं। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने सोमवार को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि राफेल के कारण भारत, चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। भदौरिया के वायुसेना प्रमुख बनने के अगले हफ्ते भारतीय वायुसेना के बेड़े में दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल भी शामिल होने जा रहा है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया अब तक 26 प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ा चुके हैं। नए एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि राफेल का शामिल होना देश और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। राफेल की तकनीक हमारे लिए गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात की चुनौतियों से निपटने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है। हमें जानकारी दी गई है कि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ क्या चल रहा है। हम पहले भी तैयार थे और अब बालकोट जैसी एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ने पर वायुसेना ज्यादा तैयार है। मानसून की विदाई के वक्त पूर्वी भारत सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। पूर्वी भारत में अब तक बारिश की वजह से 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बिहार में भारी बारिश से बिगड़ रही स्थिति के बाद सरकार ने बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायुसेना से 2 हेलीकॉप्टर मांगे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। यूपी, एमपी, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी मानसून जाते जाते अपना असर दिखा रहा है। बिहार में बारिश ने किस कदर अपना रौद्र रूप दिखाया है, इसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी पटना में नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश ने जिंदगी को बेपटरी कर डाला है। यहाँ बिगड़ रहे हालातों के बाद यूपी सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी को पंपों की मदद से निकाला जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विजू खोटे का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। फिल्म शोले में कालिया के किरदार से मशहूर हुआ फिल्मी दुनिया का ये रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। विजू खोटे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने अपने मुंबई के घर में आखिरी सांसें ली। फिल्म शोले के 2 मिनट के सीन को यादगार बनाने वाले एक्टर विजू खोटे का सोमवार को निधन हो गया। उन्हें जीवन भर कालिया के रोल के लिए पहचाना गया, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में निभाया था। विजू ने पहली बार बड़े पर्दे पर फिल्म या मालिक में काम किया था। 1964 की इस फिल्म से करियर शुरू करने के बाद शोले, कुर्बानी, कर्ज, नगीना, कयामत से कयामत तक जैसी कई फिल्मों में भी नजर आए। उन्होंने अंदाज अपना अपना में बढ़िया रोल किया था। विजू ने सलीम जावेद की लिखी शोले में ये मशहूर लाइन कही थी, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। इसी तरह अंदाज अपना अपना में उनका डायलॉग गलती से मिस्टेक हो गया खूब पसंद किया गया था। 90 के दशक में उन्होंने टीवी पर जवान संभाल के से काम की शुरुआत की। विजू खोटे की बहन शोभा खोटे भी फिल्मी दुनिया में जाना माना नाम है। विजू के खाते में 300 से ज्यादा फिल्में हैं, इनमें मराठी फिल्में भी शामिल हैं। विजू को आखिरी बार 2018 की फिल्म जाने क्यों दें यारों में काम किया था। आखिरी दौर में उन्होंने रोहित शेट्टी की गोलमाल 3, अतिथि तुम कब जाओगे, अजब प्रेम की गजब कहानी में काम किया।
ऊपर से पड़ी झाड़ के बाद एमपी की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने बयान से पलट गई हैं। इमरती देवी ने कहा था कि अगर ट्रांसफर करेंगे तो पैसा लगेगा, अब इसमें उन्होंने सरकार शब्द और जोड़ दिया है और उनका कहना है कि ट्रांसफर करने में सरकार का 30-40 हज़ार रुपया लग जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है, इमरती देवी सरकार का पैसा बचाने की यह स्कीम मुख्यमंत्री कमलनाथ को क्यों नहीं बताती ताकि तबादलों में कंगली सरकार का पैसा फिजूल खर्च ना हो। बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने ही बयान में उलझ गई हैं। उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए पैसे देने वाले बयान पर सफाई दी। बताया जा रहा है कि महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के बयान से कमलनाथ सरकार की जमकर किरकिरी हुई और कांग्रेस ने उन्हें सोच समझ के बोलने की नसीहत दी। इसके बाद इमरती देवी ने अपने कल के बयान में सरकारी शब्द और जोड़ दिया है और कहा कि ट्रांसफर करने में सरकारी पैसा खर्च होता है। एक ट्रांसफर पर 30-40 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। पहले इमरती देवी की सफाई सुन लीजिए। एक कर्मचारी का ट्रांसफर करने में, अधिकारी कर्मचारी कर ट्रांसफर करने में कम से कम 30-40 हज़ार रुपए लगते हैं। काय को पैसा दे, यहीं काम कराएंगे और अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड करेंगे। इमरती देवी की सफाई के साथ सवाल ये उठता है कि ट्रांसफर में खर्चे का यह गणित मंत्री इमरती देवी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को क्यों नहीं बताया। इस हिसाब से तो मुख्यमंत्री तबादलों में ही कंगाली सरकार का करोड़ों रुपया तबादलों में फूंक चुके हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में जितने काम नहीं हुए उनसे कई गुना ज्यादा तबादले हो चुके हैं। एक तरफ कमलनाथ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ एक बार फिर गुंडों ने पत्रकार की सरेआम पिटाई कर दी। ये मामला लहार का है जहां गुंडों ने रिपुदमन रजावत नाम के पत्रकार को घेर कर मारा। पुलिस इस मामले में अब तक किसी भी बदमाश को पकड़ नहीं सकी है। पुलिस पत्रकार की पिटाई को राजनीतिक मामला बता रही है। पत्रकार अपने स्कूटर से जमीन पर गिरा तो 3 बाइकों पर सवार होकर आए 4 बदमाश उस पर पिल पड़े। पत्रकार चिल्लाता रहा लेकिन गुंडों से उसे बचाने का साहस कोई नहीं कर पाया। पत्रकार को जख्मी करने के बाद बदमाश बेखौफ वहां से निकल गए। मारपीट करने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस इसे राजनीतिक मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। 4 लोग मुंह मांग के राजा जी की मारपीट कर रहे हैं, FIR दर्ज है। कल शाम को उन्होंने कुछ विवेचक को 4 लोगों के नाम बताए हैं। अब वीडियो में तो वो पहचान में नहीं आ रहे। अब वो नाम उन्होंने किस हिसाब से लगाए हैं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है उसमें, वो मैटर की जांच करनी पड़ेगी कि जो आरोपी के नाम लिखाए हैं सही है या गलत है। एकदम किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक वेरीफाई नहीं हो जाएगी घटनास्थल पर मौजूद था या ना था। कांग्रेस के राज में पुलिस के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा गुंडों को पकड़ने की नहीं है। वह इस मामले को और उलझाना चाहती है। गुंडे जब पत्रकार की पिटाई लगा रहे थे तब किसी ने इस घटना का चुपचाप वीडियो बना लिया। ये वीडियो भी पुलिस के पास है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है लेकिन उसके बावजूद बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को रीवा नगर निगम आयुक्त के 4,94,00,000 वसूली का नोटिस दिए जाने के बाद भाजपा नेताओं की बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही। सांसद जनार्दन मिश्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगेगा तो उसको यहीं गाड़ दिया जाएगा। जनार्दन मिश्रा ने निगम आयुक्त पर पैसे मांगने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो यहाँ ठेके पर हैं। आयुक्त वसूली कर आधी राशि अपने पास रखते हैं और आधी भोपाल भेज देते हैं। जनार्दन मिश्रा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और रीवा निगम आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि निगम आयुक्त को यहां ठेके पर भेजा गया है। आयुक्त वसूली कर आधी राशि अपने पास रखते हैं और आधी भोपाल भेज देते हैं। उन्होंने 6 नंबर स्कीम के तहत बने किसी मकान को हाथ लगाने पर आयुक्त को सबक सिखाने की चेतावनी दी। जनार्दन मिश्रा ने आयुक्त को धमकी देते हुए कहा कि अगर सभा जीत आए तो आने की खबर सांसद को दे दी जाए, वो कुदाल लेकर आएंगे और जमीन खोदकर सभाजीत यादव को उसमें गाड़ देंगे। सांसद ने लोगों से कहा कि सब लोग कुदाल और कुल्हाड़ी घर में नुकीली करके रखवा लें। अभी से टवा लीजिए कुदारी को, फरगवा ले कुदारी, सबको गाँव में क्या है फरगवावा, कुदारी फरगवा के धैर्य रहा, जिन्ना आवे गड्ढा खोदा होगा सारे का गाड़ा होएगा। यह पहली बार नहीं है जब सांसद जनार्दन मिश्रा ने ऐसा विवादित बयान दिया है। सांसद मिश्रा ने पहले भी कई बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं। सांसद ने यह भी कहा कि सभाजीत रीवा को आदिवासी जिला न समझें, यह धार झाबुआ नहीं है, रीवा में अच्छे अच्छे को निपटा दिए हैं। हालांकि उनके इस बयान को नगर निगम आयुक्त ने व्यक्तिगत सोच बताया है। भोपाल टॉकीज के पास चैम्बर में फंसे एक डंपर को निकालने पहुंची क्रेन हाई टेंशन लाइन से जा टकराई, जिसके बाद क्रेन में करंट फैल गया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। भोपाल टॉकीज स्थित बाल विहार के पास एक बड़ा हादसा हो गया। गिट्टी से भरे एक डंपर का पिछला पहिया सीवेज टैंक में फंस गया, जिसको निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन डंपर को निकालने का प्रयास कर रही थी कि उसका अगला हिस्सा ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन लाइन से जा टकराया। हाई टेंशन लाइन से टकराने के कारण पूरी क्रेन में करंट फैल गया। करंट इतना तेज था कि क्रेन का एक टायर फट गया और उसके झटके से क्रेन में बैठा ड्राइवर क्रेन से बाहर नाली में जा गिरा। मदद के लिए आए राशिद और बाबू भाई उसे नाले से बाहर निकाल ही रहे थे कि वे भी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में दीपक, राशिद, बाबू, गुड्डू और दिलीप पूरी तरह से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इनमें से राशिद की हालत गंभीर बनी हुई है, यह लगभग 30% झुलस गए हैं। जबकि बाहर से निर्देश दे रहे अनस नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायपुर के एफसीआई इलाके में कुएं के अंदर एक युवक गिर गया। इस बात की सूचना कांस्टेबल मंगलेश सिंह परिहार को लगी तो वो पहुंचे और वहां खड़े लोगों की मदद से अंदर गिरे युवक को बहुत ट्रिक से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक 24 घंटे से अधिक समय से कुएं के अंदर फंसा हुआ था। गलती से पैर स्लिप होने की वजह से एक युवक कुएं में गिर गया। कुएं की दीवार पकड़े यह खड़ा रहा, लेकिन सुनसान होने की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। दूसरे दिन 24 घंटे बीतने के बाद वहां से गुजर रहे एक चरवाहे ने जब उसकी आवाज सुनी तो पंडरी थाने में इसकी सूचना दी। थाने में बल नहीं होने की वजह से कांस्टेबल मंगलेश सिंह परिहार अकेले ही मौके पर पहुंच गए। इसके बाद कांस्टेबल परिहार ने वहां खड़े लोगों को मदद करने की बात कही तो वो भी तैयार हो गए। एक बड़ी रस्सी मंगाई गई तो कुएं के अंदर उस युवक तक पहुंच सके और फिर उसे निकाला जा सका। रस्सी आने के बाद उसे कुएं में डाला गया और सावधानी से युवक को खींचकर बाहर निकाला गया। कांस्टेबल की ट्रिक ने युवक को निकालने में अहम भूमिका निभाई। बाहर निकलने के बाद वह बहुत खुश नजर आ रहा था। उसे लग रहा था अगर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता तो वो ज़्यादा समय कुएं में जीवित नहीं रह पाता। कांस्टेबल परिहार के साथ सभी को इस बात की खुशी थी कि वो किसी की जान बचाने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सभी कांस्टेबल परिहार और उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने कुएं से निकालकर उस युवक की जान बचाई। यूपी के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के बेटे के तिलक समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें तिलक लेकर गए लड़की के भाई और बीजेपी नेता बॉबी सिंह को गोली लग गई। मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए आरोपियों को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही। बड़ा मलेरा के पाड़ाझिर में हर्ष फायरिंग में बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री बॉबी सिंह को गोली लग गई। बीती रात उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के बेटे का तिलक उत्सव उनके फार्म हाउस में चल रहा था। अपनी बहन का तिलक लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा महामंत्री बॉबी सिंह को उस समय पेट में गोली लग गई जब हर्ष फायरिंग की जा रही थी। बॉबी को गोली लगते ही तिलक समारोह में अफरा तफरी मच गई और घायल बॉबी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। थाना बड़ा मलेरा क्षेत्रीय घटना, इसमें कल रात्रि में एक समारोह के दौरान हर्ष फायर में एक व्यक्ति को इंजर्ड हुआ है, इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य है उसके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
बॉबी को गोली लगने की खबर लगते ही बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए। वहीं बादशाह सिंह, कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह और आलोक चतुर्वेदी भी अस्पताल पहुंचे। जब यह हर्ष फायरिंग की जा रही थी तभी दोनों पार्टियों के विधायक और नेता और पुलिस समारोह स्थल पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी फायरिंग को रुकवाने की कोशिश नहीं की। बिग बॉस सीजन 13 की धमाकेदार शुरुआत हुई। होस्ट सलमान खान ने सभी नए कंटेस्टेंट से रूबरू कराया और नए नियमों के बारे में जानकारी दी। शो के ग्रैंड प्रीमियर नाइट में सलमान ने खुद स्लो मोशन के साथ शानदार परफॉर्मेंस दी और अन्य मेहमान भी इससे पीछे नहीं रहे। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बातें अब सामने आ रही हैं और वह है शो की मीम्स, जो कि प्रीमियर नाइट के बाद इंटरनेट पर छा गए। इस बार बिग बॉस में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, राइटर सिद्धार्थ डे, म्यूजिक कंपोजर अब्बू मलिक, एक्टर पारस छाबरा, मॉडल असीम, एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य, माहिरा शर्मा, रश्मि देसाई, दलजीत कौर, केना मित्रा, आरती सिंह, शहनाज गिल, न्यूज एंकर शेफाली बग्गा ने हिस्सा लिया है। शो के प्रीमियर नाइट में ही घर वालों की ड्यूटीज फिक्स कर दी गई हैं। सलमान ने कहा कि 4 हफ्तों में फिनाले होगा और कुछ ही घर वाले आगे बढ़ पाएंगे। सलमान ने यह भी सलाह दी कि वे अभी से घर में कनेक्शन बनाना शुरू कर दें और समय न गवाएं। बता दें कि इससे पहले सलमान ने माधुरी दीक्षित को घर का दौरा करवाया था और दोनों ने दीदी तेरा देवर दीवाना मोमेंट को रिक्रिएट किया था। फैंस ही नहीं, शो को नापसंद करने वालों ने मजेदार मीम्स शेयर की, जिसमें सलमान शो के कॉन्टेस्ट को भी नहीं छोड़ा। कुछ ने तो सलमान को बेचारा बताकर सहानुभूति जताई। इस सीजन में अमीषा पटेल खास रोल में है। बिग बॉस का घर इस सीजन में लुनावना की बजाय फिल्म सिटी में है। इस शो में अमीषा को घर की मालकिन बताया है, जो कि कंटेस्टेंट्स पर नजर रखेंगी और उनमें टास्क भी करवाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।